अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। हाँ दोस्तों, ये वो चीज़ है, लग जाए तो खून निकल आता है, लेकिन इसका काम किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। लोहे की पत्ती है ये तलवार कहते हैं इसको। जो लोग योगा जानते हैं उनको शायद मालूम होगा, हमारे जो गले की पाइप होती है पेट तक सीधी जाती है, उसके बाद आंतरी शुरू होती है। इस तलवार को मैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँगा। पहले हम अपने जो शरीर की पाइप होती है एक आसन करते हैं और अपने शरीर की पाइप को खुला लेते हैं, स्ट्रोंग कर लेते हैं, फिर इस खेल को करने की कोशिश करते हैं। इसको मुझे बचपन में 3 साल की कठिन योगा योग साधना करनी पड़ी और 3 साल के बाद मैं मंच के ऊपर दिखाने के लायक हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी घर में जाकर पेन, पेंसिल, छुरी, काटा इत्यादि किसी भी चीज़ से कोई भी ट्राई ना करे, क्योंकि ये एक गुरु शिक्षा है। इसको हम अपने आश्रम में लक्ष्मी नगर विकास मार्ग पे सिखाते हैं, किसी ने भी सीखना हो सीख सकते हैं, लेकिन बहुत ही भयानक खेल है, खतरनाक खेल है। अब इसको एक रियल खेल योगा योग साधना की तरफ आपको लिए जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन भयानक खेल आपने देखा। मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, कोई भी घर में जाकर पेन, पेंसिल, छुरी, काटा इत्यादि किसी भी चीज़ से कोई ट्राई ना करे, क्योंकि बाद में कोई जिम्मेदार नहीं होता। नेक्स्ट आइटम आपको दिखा रहे हैं, देखिए।
प्यार की है भाषा, अब कोई नहीं है निराशा। हम तो हर शहर में एक बहुत खूबसूरत बाजार होता है जिसको हम जादूगर लोग मीना बाजार के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने पेश किया जा रहा है मीना बाजार। इसके अंदर मेरे पास जिनको मैं बुलाऊंगा वही आएंगे। आप आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। चार स्टूडेंट आ जाएं, दो इस साइड में खड़े हो जाएं, दो इस साइड में खड़े हो जाएं। दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम जो हमसे मिलने कर लो निभाने का वादा, जादू। आज धरती से कदम का, आज धरती से कदम का, फूलों से चमन का, खजाओं से पवन का हो रहा मिलन। जादू 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 जादू
गुरुदेव की सुनता सामने बहुत पुराना एक रेडियो। आज पेंडल चलती है, चिप चलती है, मोबाइल में गाने आते हैं, इंटरनेट पे आ जाते हैं। इससे पहले टेप रिकॉर्ड होते थे, रिकॉर्ड होते थे, रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे, और रेडियो शहर किसी किसी ने देखा हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने कहा तुमने पहचान लिया होगा ये रेडियो है, बहुत पुराना रेडियो आपके सामने है। देखते हैं इसका क्या होता है, नजरें सबकी लगी हुई है रेडियो। देख रहे हैं चीज़ें और उनको हमने पुरानी जगह पर बचा दिया, रेडियो को गैप कर दिया। अब ऊपर आ रहे हैं आपके सामने एक बहुत बड़ी वकीलों जैसी, इनके पास एक किताब है, जज सर, वकील साहब, इतनी इतनी बड़ी किताबें लेकर चलते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके सामने गुरदीप सिंह बब्बर। मेरे पास आप देख रहे हैं बहुत बड़ी किताब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजिक एंड मैजिक। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर कुछ फोटोज बनी हुई हैं, आपने देख के पहचान ली है इसके ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें बनी हैं फोटोज। ओके चलिए देखते हैं पहचान पाते नहीं पहचान पाते। क्या कहते हैं इसे, तबला।
सकते हैं इसको? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। ड्रम्स है, ओके। इसे क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम? मालूम है तो जोर से बताएं। नहीं मालूम? इसको पंजाबी में बाजा कहते हैं। क्या है ये? बाजा। बड़ी जल्दी पहचान ली, क्या था? सबको मालूम है? चलिए मैं चाहता हूँ सब लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे, अपने हाथ को सब हिलाएंगे, जोर से बोलेंगे निकली आवाज आ रही, जोर से बोलेंगे निकली। ये आपके सामने आजकल के जमाने की गिटार, और आपने थोड़ी देर पहले देखा रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर। थैंक यू। हेलो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक सज्जन आ जाए, जैंट्स आ जाए मेरे पास, आइए कोई भी आ जाए। राजीव, राजीव जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। वो चीज़ है जो सामने आते ही पता चलता है क्या है, किस काम आती है। हथकड़ी कहते हैं, एक होती है हथकड़ी, ये है हथकड़ी। हाँ दोस्त, ये देखिए आपके सामने ये चाबी लगाएंगे इसको तो ये खुल जाती है, ठीक है? इसको ओपन करते अब इसको चेक करें, सॉलिड है, इसको भी खोलें। ठीक है, बंद कीजिए। कौन सकती मेरी कलाई इतनी छोटी तो नहीं है मेरा हाथ बाहर आ जाए, जैसे लेडी चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, आप इसमें सिर्फ चेक कर लें, इसको चेक कर लें, कोई कड़ी टूटी हुई हो, ठीक है? ऐसा नहीं आपकी जीव जी, ये रुमाल चेक करेंगे, चेक कीजिए इसको, चेक कर लिया? इसके ईयर को डालेंगे ऐसे, इसको इसके अंदर हाथ डालेंगे, अपना हाथ डालेंगे, हाथ नीचे ऐसे ऐसे हाथ डालेंगे, ऐसे हाथ डालेंगे। हाँ दोस्तों, ये बंधन है प्यार का। जी जी, आपके हाथ में वो थी ना चाबी, ये अभी तक पकड़ी हुई आपने? चलो चले, आइए चलो। राजीव जी, ये बंधन है प्यार का। कहते हैं कड़ी एक फूल के साथ एक फूल, फूल के साथ फूल, फूल के साथ फूल, तो वो बन जाता है गले का हार। इसी तरह से हम सब लोग विश्वास के साथ रहें, कड़ी के साथ कड़ी मिला लें, तो वो दिन दूर नहीं है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतीक हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसी तरह से दुनिया का हार बन सकता है, हम और आप मिलकर एक विश्वास की जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू।
किसके लगी थी? थैंक यू। ये दूसरी खोल दो ना, खोलो इसको। इस खेल के अंदर साथ दिया विश्वास के साथ, जिस तरह से हमने हाथ पकड़े हुए हैं इसी तरह से आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, कड़ी से कड़ी मिला लें। थैंक यू। कहो के कोई भी सज्जन आकर के मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांधेंगे, प्रधान जी आएंगे या कोई और आएगा, ऑडियंस में से भी कोई आ सकता है, आइए बता दिया। क्या नाम है जी आपका? अभिषेक। तो आप अकेले आए हैं? अच्छा, ये भी आइए, पिता जी भी आइए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास से जो एक पट्टी है, ये इतनी मोटी है कि इसको आप देखें रोशनी में कुछ भी दिखाई दे रहा है? अच्छी तरह से देखें, इतनी हाई लोजन चल रही है, नहीं नहीं दिखाई दे रहा। आप पट्टी को चेक कर लें, सब सही है ना? बिल्कुल चंगा है। अभिषेक जी, ये पट्टी बहुत ही मोटी बनाई गई है, बहुत सारी परतें हैं इसके अंदर, है कि नहीं? इतनी मोटी कपड़े की पट्टी बनाई गई है और ब्लैक कलर है, हाई लेजर लगी हुई है, किसी से जगह से कोई भी सुराख आपको नज़र आ रहा हो फिर से भी आप चेक कर लें, फिर बाद में मत करना कि हमने एक साइड से चेक करना भूल गए। अच्छा, ये पट्टी ठीक है ना? मुझे तो पट्टी चेक करानी है ना, हाई लेजर चेक नहीं करानी। ठीक है, ठीक है, आप पट्टी को थोड़ा महसूस करके भी देख लें, इलाज ला के भी देख लें कि सब ठीक है। ठीक है, तो अब आप मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांधेंगे। चेहरा टाइट कर सकते हो जैसे आपकी खुशी हो, नहीं गला गले मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो खेल दिखाने आया हूँ यहाँ पर, इसी पास से पैसे ले जाओ, है कि नहीं? जितना भी आप में दम है, कुछ भी है आपका, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं जानी चाहिए, इधर उधर से भी खुशी से भी जितना भी दम है आप ठीक है। भाई साहब, मैं आपका नाम बोल गया, क्या नाम था आपका? भाई इतनी कसके बांध करोगे तो नाम तो भूल ही जाऊंगा। अभिषेक शर्मा जी भी साथ में है? अच्छा, आप दो जने के एक है? शर्मा जी पूरा, अब मैं कैसे बोलूँ आगे से? शर्मा जी, क्या हाल चाल है आपका? कहाँ हो? अच्छा, आप पंजाब के हो, अमृतसर के कहाँ के? अमृतसर सुल्तानगंज के। सिद्धांत, सिद्धांत बोल रहे? अच्छा, लॉरेंस रोड। तो अच्छा, तो यहाँ पर शर्मा जी, यहाँ पर यहाँ ना एक ब्लैक बोर्ड रखा होगा, आप देख रहे हैं कहाँ पर खराब है? ठीक है, ब्लैक बोर्ड है ना, मुझे ब्लैक बोर्ड तक ले जाएंगे? हाँ, कहाँ पे है, कहाँ पे? पीछे रखोगे? चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अच्छा पढ़ा हुआ है ना, तो पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। तो आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है। आपको ABC आती है क्या? कि गिनती आती है आपको? आप कोई भी एक लेटर लिख दें, या गिनती में से लिख दें या ABC में से लिख दें। हाँ, एक लिखना है बस, ओनली वन अल्फा का लिखना है आपको।
कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्रदीप जी आपने एक लाइन लिखना है, या तो हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, या फिर नंबर कोई भी लिख दिया आपने कि नहीं लिखा भी? इंग्लिश का एक लेटर लिख दिया आपने। और मेरे असिस्टेंट कहाँ गए हैं? जहाँ पे हो ना। अच्छा बोलना नहीं है आपने, बताने की कोशिश नहीं करनी, नजरें सबकी लगी हुई हैं। तो शर्मा जी आपने लिखा है, थोड़ा साइड में हो जाना भाई, वही ऑडियंस बता रही है, इशारा कर रही है सामने से, वो देखिए इन्होंने लिखा है एम, एम लिखा है, आंखें खोल दे, जल्दी से खोल दे, गर्मी बहुत हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। चंदर में सबसे पहला सीन हमारा था और उसके बाद में कई बार रिपीट हुआ, आखिर में हमारा पूरा सीजन चला, तो मैंने अपने बेटे को हवा में उड़ाया, वो सीन आपको दिखाया जाएगा। उससे पहले और भी बहुत सारे खेल हैं, गर्दन को काटना और भी बहुत सारे खेल हैं। हम लेके आए हैं एक और बहुत ही खूबसूरत खेल आपके सामने, जूनियर माई सन गुरदीप सिंह बब्बर। जो लोग बैठे नहीं हुई हैं, सीटें खाली हो चुकी हैं, सभी लोग अंदर आ जाएं और सीटों के ऊपर बैठ जाएं जल्दी से, फिर बाद में आपको सीटें नहीं मिलेंगी। जो लोग बैठना चाहते हैं सीटों के ऊपर बैठ जाएं। थैंक यू। लेटेस्ट खेल है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन। मैं चाहता हूँ अब एक लेडीज आ जाए मेरे पास, एक जादू के साथ हो जाए कोई भी, एक लेडीज आ जाए मेरे पास जल्दी से आ जाए। आइए किस्मत का
नाथ जीजा, जब तक करूं मैं इशारा। जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। उम्र जिन्ना नाथ जिन्ना मुश्किल करते सबका। सॉलिड कटर आपके सामने है, बच्चे लोग सब नीचे उतर जाएं, नीचे बैठेंगे, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। ये रास्ता है आने जाने के लिए, रास्ता है, रास्ता छोड़ के बैठेंगे, ठीक है? पीछे को बैठेंगे। ये कटर आपके सामने है, कीड़ा आपके सामने है, देखते हैं कटता है या नहीं कटता है। जो बच्चे बैठ के देखना चाहते हैं देखें, नहीं तो पीछे चले जाएंगे, खड़े नहीं होंगे यहाँ पर। हेलो, ये खीरा आपके सामने आधा रह गया और आपकी गर्दन जो है सही सलामत है। इस खेल को कहते हैं हिप्नोटाइज, ब्लैक मैजिक। इस एरिया को हमने हिप्नोटाइज कर दिया था और जो हम दिखाना चाहते थे वही आपने देखा। इनकी गर्दन को कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही सलामत है आपके सामने। थैंक यू। जूता नौजवान है क्या? दो जेंट्स आ रहे मेरे पास,